और डाउन कर दिया, ये देखो एक और डाउन करके पहले गियर पे ले आया मैं बाइक को, ठीक है। अभी देखो, ये देखो पहले दबाया, एक गियर डाउन किया, देखो बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बाइक एकदम से उठ भी, देखो हल्का हल्का क्लच छोड़ना पड़ेगा, हल्की हल्की रेस देनी पड़ेगी, साथ में ये दोनों का काम परफेक्ट बिठाना पड़ेगा, तब जाके भाई बाइक बंद नहीं है। ब्रेक लगाई, उसके बाद अब मैं बढ़ाऊँ, ये देखो बंद होगी। अब इसके बंद होने का कारण, अब मेरी बाइक देखो धक धक कर रही है, एक गियर डाउन किया, ये देखो प्यार से बिल्कुल चलने लग गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। हेलो भाई, मैं हूँ अजय, और भाई मैं ना काफ़ी टाइम से बाइक वाली सीरीज़ कर रहा था जिसमें मेरे साथ बहुत सारे भाई लोग जुड़े थे, और आज वो भाई लोग बाइक चलाना सीख गए हैं। हाँ भाई, बहुत सारे भाई लोग आते हैं जो कमेंट करते हैं कि भाई मैं बाइक सीख गया, बट उनको ना अभी भी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो है भाई कि ना भीड़ भाड़ या फिर जो रस वाला एरिया है ना, उसमें बाइक चलाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। दिक्कत इन द सेंस कि मतलब प्रॉपर पता नहीं है कि कैसे करना है, गियर कितना रखना है, रेस कितनी देनी है, या फिर क्लच कितना छोड़ना है, इस चीज़ में ना कहीं थोड़ा थोड़ा डाउट होता ही है भाई। जब मैं भी स्टार्टिंग में मैंने भी सीखी थी तो मुझे भी था, तो मैं आपको एक बार क्लियर बता देता हूँ भाई कि आपको कौन से गियर में मोस्टली बाइक को चलाना है, क्या फॉर्मेट होता है बाइक को चलाने का। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, ये कुछ अलग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप नॉर्मल रोड में बाइक चलाते हो और एक भीड़ वाले इलाके में बाइक चलाते हो, दोनों में कोई फ़र्क होगा। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता है, दोनों भाई सेम चीज़ें हैं, सेम फॉर्मेट है, बस भाई बात है हमारी मेंटेलिटी की, कि मतलब हमको लगता है कि ये खुली रोड है यहाँ पे तो हम बहुत ही आसानी तरीके से चला लेंगे, ये भीड़ वाली रोड है यहाँ पे कैसे चलाएंगे, क्योंकि एक गाड़ी आएगी दूसरी गाड़ी आएगी बस। तो भाई सबसे पहली बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, 1% भी घबराना नहीं है पहले तो आपको। और दूसरी बात भाई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस चीज़ को ध्यान से सुनो, इतना कॉन्फिडेंस एटलीस्ट होना चाहिए खुद के ऊपर कि क्लच और भाई ब्रेक दोनों का यूज़ परफेक्ट हो सके। वो क्यों? क्योंकि भाई देखो आप रस वाले एरिया में ना जब ट्रैवल करते हो ना, तो आपको नहीं पता कि कौन सामने से आता है, कोई इधर से चले जाता है, कोई एकदम से गाड़ी रुक जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि हमको ना इमिडिएटली ब्रेक लेनी पड़ती है ना। अब मान लो कि आप नॉर्मल रास्ते में जा रहे हो और सामने से एक गाड़ी आ गई, या फिर कोई गाड़ी इधर को मुड़ गई, या फिर एकदम से बाइक कोई भी बाइक रुक गई, तो आप क्या करोगे? आप अगर भाई ब्रेक को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना, तो आप उसमें जाके घुस जाओगे भाई। क्योंकि भाई देख, अगर मान लो कि सामने से कोई गाड़ी एकदम से रुक रही है, मैं इतना कॉन्फिडेंट मेरे अंदर होना चाहिए कि कुछ भी रुक जाए सामने से, मैं एकदम से बाइक को रोक सकूं या फिर स्लो कर सकूं। दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती है ना भाई। अगर मान लो आप नए नए सीख रहे हो और भाई आपका हाथ ब्रेक पे नहीं है, तो आप अगर एकदम से भीड़ वाले इलाके में जाते हो तो आप घुस जाओगे भाई गाड़ी के अंदर, ये आपको भी पता है बात। और ये भाई रिस्क हमको लेना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और क्लच का इसमें कितना रोल है, आपके सामने कोई गाड़ी रुकी, आपने एकदम से बाइक को रोका, तो भाई बाइक बंद भी तो नहीं होने देने ना हमने। अब बाइक तो रोक ली, उसके बाद बाइक बंद हो जाएगी, एकदम से पिकअप नहीं पकड़ेगी, मतलब जब बाइक को रोकने के बाद एकदम से चलाना भी तो पड़ता है, क्योंकि पीछे से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि रस वाला एरिया है, उसमें अब बाइक को एकदम से उठाना भी है। अब वो कैसे उठाओगे, क्योंकि भाई क्लच पे ऊपर भी तो परफेक्ट ग्रिप होनी चाहिए ना, क्लच के ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का परफेक्ट बोल रहा हूँ मैं कि ब्रेक और क्लच को तो ऐसे रटना है आपने कि जहाँ पे एकदम से ब्रेक मारो, फिर अगले सेकंड ही ऐसे करो तो आपकी बाइक आगे को उठ जाए बिना बंद हुए। इतना आपको प्रैक्टिस करनी है भाई पहले भीड़ वाले इलाके में जाने से पहले, कि आपको अपनी ब्रेक और क्लच के ऊपर इतना परफेक्ट हो जाना है कि आप अपनी ब्रेक को लगाओ तो आपकी बाइक रुक जाए, और जिस पर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप जब क्लच को रिलीज़ करो तो आपकी बाइक एकदम से चल पड़े। इन दो का कॉम्बिनेशन बिठा लो भाई और कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बाइक को हमेशा छोटे गियर में ही रखना, कभी ये गलती मत करना कि आप चौथे गियर में चल रहे हो। हाँ चलो चौथे गियर में भीड़ में भी, बट जहाँ पे आपको लगे कि आपने अपनी बाइक को स्लो कर लिया, 20-30 पे आगे हो या फिर 15 पे आगे हो, वहाँ पे भाई चौथा गियर में दोबारा बाइक को आगे ले जाने की गलती मत करना, बाइक धक 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 करते हुए बंद हो जाएगी। ये केस भाई आपको भी पता होगा, नॉर्मल
डेज़ में भी ये हरकतें होती हैं कि हम जब बड़ा गियर रखते हैं तो हमारी बाइक खटखट करते हुए बंद हो जाती है, तो हमको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई कि आप ना गियर बड़ा करना ही मत, छोटे गियर में ही आप चलो, आपकी बाइक इजीली मूव करने लग जाएगी। एक बार भाई मैं आपको फिर दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके कि कैसे हमको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना। आप देखना भाई, मैं दो या तीसरे गियर से ऊपर नहीं बढ़ूँगा, पर जहाँ पर मेरी बाइक जाएगी मैं क्लच दबा के गियर को डाउन करके ही रेस को बढ़ाऊँगा, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखना भाई। तो भाई मैं अब आपको भीड़ वाले इलाके में लेके जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको क्या गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है भाई? स्टार्ट किया हमने, गए हम, ठीक है? देखो अब देखो सामने, देखो भाई अभी दूसरे गियर में चल रहा हूँ मैं, ठीक है? देखो दूसरे गियर को भी उतारने की लोड नहीं पड़ी, स्पीड भी स्लो है भाई, देखो मेरी, देखो अब ब्रेक भी मारूंगा, देखो क्लच को मैं दबाता भी नहीं हूँ भाई बार बार। अब मेरे को बाइक देखो आगे स्लो करनी है, मैं रेस छोड़ूंगा, ये देखो जब मुझे लगे मेरी बाइक बंद होने वाली है तब मैं क्लच को दबा दूंगा, अदरवाइज मैं क्लच को भी नहीं दबाऊंगा। इस चीज़ को भाई आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देखो जब गियर चेंज करने होंगे मैं मोस्टली तभी क्लच को दबाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दबाता, ठीक है? देखो ये आगे निकलना है, दूसरा गियर चल रहा है भाई, देखो अभी भी, फिर अब देखो स्लो करनी है, ये देखो मैंने ब्रेक लगाई पर क्लच नहीं दबाया अभी भी। ये आपको हमेशा करना है भाई कि आप ब्रेक दबाओ पर क्लच मत दबाओ। आप देखो खुली रोड थी, ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो तीसरा गियर हमने इजीली लगा लिया, ठीक है भाई? अब देखो अब हमने क्या करना है, हमारा तीसरा गियर लगा हुआ है, अब मुझे अगर बाइक स्लो करनी होगी ना तो मैं गियर को डाउन करूंगा ही करूंगा। अगर तीसरे गियर में चलाने की कोशिश करूंगा ना बाइक बंद हो जाएगी 110%। देखो अभी तीसरे गियर में चल रही है, अब धक धक करने लग गया बाइक, स्लो की क्लच दबाया, एक गियर डाउन किया, देखो बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बाइक एकदम से उठ भी गई, कुछ दिक्कत नहीं आई हमको। अब फुल्ली रोड है, अब हम तीसरा गियर लगा सकते हैं, ये देखो ज़्यादा हाई स्पीड पे भी नहीं जाना भाई, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी आ जाता है, ये देखो जैसे अंकल है मोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ भी आ जाता है, तो हाई स्पीड में भी भीड़ वाले इलाके में अवॉइड करो। देखो मैंने क्लच छोड़ा, फिर ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा, ये देखो ब्रेक का यूज़ किया, अब गियर को एक हॉट डाउन कर दिया, ये देखो एक हॉट डाउन करके पहले गियर पर ले आया मैं बाइक को, ठीक है? अभी देखो ये देखो पहले गियर पे लाने के बाद मेरी बाइक बंद नहीं होगी, अगर मैं यहाँ पर ही तीसरे गियर में लगाता ना भाई मेरी बाइक उसी टाइम बंद हो जाती है, जो सबसे बेकार बात है, और फिर पीछे से भीड़ इकट्ठी हो जाती, जो भीड़ बोलती चलो भाई आगे, फिर वो चीज़ दिक्कत देती है ना भाई। इस चीज़ में भाई हमको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको गियर छोटा ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो अब ऑटो वाला अंकल थोड़ा थोड़ा धीरे चल रहे हैं, अब मेरी बाइक देखो धक धक कर रही है, एक गियर डाउन किया, ये देखो प्यार से बिल्कुल चलने लग गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। अब फिर से स्लो करनी है, ये देखो फिर से स्लो की, गियर डाउन किया, थोड़ी सी रेस दी, अब यहाँ पे भीड़ वाला इलाका, एक और गियर डाउन किया, अब देखो हल्का हल्का क्लच छोड़ना पड़ेगा, हल्की हल्की रेस देनी पड़ेगी साथ में, ये दोनों का काम परफेक्ट बिठाना पड़ेगा, तब जाके भाई बाइक बंद नहीं होती है। अगर मान लो मैं तीसरे गियर में ही रखता हूँ, ठीक है? ये भाई मैंने तीसरा गियर रखा हुआ अपनी बाइक का, और अब मैं ब्रेक लगाता हूँ इमिडिएटली कहीं पे, ठीक है? तो मेरी बाइक बंद होती है, होएगी, देखो अब चलाऊँ, आवाज़ सुन रहे हो? अब डक 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 डक, गियर डाउन कर दिया मैंने दो, अब मैं अपनी बाइक को इजीली लेके जा सकता हूँ भाई। देखो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि अगर आप चौथे गियर में रहोगे ना तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। मैं आपको खुली रोड में भाई इसलिए लिया है, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली भी पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आप फिर ट्राई कर लेना कि तीसरे या चौथे गियर में, ठीक है? ये चौथा गियर डाल दिया मैंने, अब मान लो यहाँ पे गाड़ी है, अब मैंने ब्रेक लगा दी यहाँ पे, मतलब सिंपल मान लो गाड़ी है, मैंने ब्रेक लगाई, उसके बाद अब मैं बढ़ाऊँ, ये देखो बंद होगी। अब इसके बंद होने का कारण क्या था, क्योंकि भाई चौथा गियर था, मैंने गियर को डाउन नहीं किया। और ऐसी ही सेम सिचुएशन आती है भाई जब हम भीड़ वाले इलाके में जाते हैं, हम क्या करते हैं स्पीड में जाते हैं, उसके बाद ना सामने कुछ रुकता है तो हम भी स्लो हो जाते हैं, हम गियर को डाउन नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी बाइक एकदम से बंद हो जाती है फिर रेस देने के बाद।
और भाई एकदम से आप अगर ऐसे रुक जाओगे ना तो शायद पीछे वाला भी आपके ऊपर ठुक जाए भाई, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि आपकी बाइक एकदम से रुक जाएगी या आप ब्रेक ले लोगे, है ना। उसको तो लगेगा कि आगे क्लियर हो गया तो आप स्पीड में बढ़ाओगे, वो भी हल्का सा रेस दे के आगे को आएगा, बट आपके पास आपके साथ, ठीक है ना। तो भाई हर चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई जो आपको अपनी अवॉइड करनी है वो है भाई कि गियर को डाउन ना करना। मतलब आप अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है गियर को डाउन करने में, तो भाई प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, पहले एक बार प्रैक्टिस करो गियर डाउन करने की। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है लाइफ में, सिर्फ भीड़ वाले इलाके में नहीं, कहीं पे भी अगर आपको बाइक स्लो करनी पड़ती है, उसके बाद जब आप रेस दोगे ना उसके बाद आपकी बाइक खटखट करके बंद ही हो जाएगी। तो भाई मेरी ओवरऑल रिक्वेस्ट आपसे यही थी कि भाई आपको अपने गियर डाउन पे काम करना है। जिन जिन भाइयों को दिक्कत आ रही है ना भाई, आप एक बार गियर डाउन पे काम कर लो, मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपकी बाइक बंद नहीं होगी। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और भाई कोई भी डाउट हो वीडियो को लेके तो कमेंट भाई ज़रूर कर देना, मैं पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।